में समाजवादी पार्टी की सरकार और लोकसभा चुनाव, इन सभी मसलों पर हमसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री शिव प्रताप यादव। शिव प्रताप जी, साधना न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिव प्रताप जी, अब आपकी सरकार को 2 साल करीब होने जा रहा है जी। लेकिन उपलब्धियों की बात करें तो तमाम चुनावी वायदे जरूर आपने पूरे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके विरोधी आपके प्रशासन प्रशासनिक क्षमता पर कई सवाल खड़े करते हैं। पार्टियों का विपक्ष का तो काम यही होता है, चूँकि एरिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन चूँकि राजनीति में होता है, जो हमारे अच्छे काम हैं उनको इग्नोर करेंगे, विपक्ष का ही काम है। और जहाँ कोई कमी होगी उसको ढूंढेंगे, अगर नहीं भी होगी तब भी उस पर कुछ ना कुछ निकाल देंगे, जैसे एक कहावत है खाल में बाल निकालना जी। और जहाँ तक प्रशासनिक क्षमता का सवाल है तो कुंभ मेला इसका उदाहरण है, जो है जहाँ पर लगभग 50 करोड़ लोग पिछले साल कुंभ मेले में इलाहाबाद में जो है संगम में स्नान किए और एक भी घटना नहीं हुई और इसकी दुनिया में तारीफ हुई। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भाजपा के नेता उमा भारती ने भी पिछले सत्र में उन्होंने तारीफ किया। जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं के साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले रहे हैं जिसकी वजह से दंगे का मामला रहा है, मुजफ्फरनगर दंगे का, और छोटी मोटी कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिस पर अगर आम जनता भी सवाल खड़े करे तो मैं नहीं समझती हूँ कि गलत है। ये दंगा एक तरीके से सोची समझी साजिश की थी सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा जी, क्योंकि उसके पहले 84 कोसी परिक्रमा डिक्लेयर किया था, विश्व हिंदू परिषद और जो है भारतीय जनता पार्टी का उसमें समर्थन था। 84 कोसी परिक्रमा में जनता ने सहयोग नहीं किया और प्रशासनिक जो है जो मतलब प्रशासनिक जो है कड़ाई के कारण जो है वो नहीं हो पाया, तो उससे सांप्रदायिक शक्तियाँ जो है उसमें एक तरीके से सांप्रदायिक शक्तियाँ जो है उससे नाराज़ हुई। नाराज़ क्या मतलब, वो खिसिया गईं और फिर मौका ढूंढने लगे। तो एक घटना हो गई थी लड़की भगाने का वहाँ मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद में विवाद में हत्या भी हुई जी। इस प्रकरण को जो है इतना तूल दे दिया गया और कि दंगा सोची समझी साजिश के तहत दंगा करा दिया गया। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगों में आज भी लोग कैंपों में रह रहे हैं जी, और वो अपने घर, उनको जाहिर तौर पर उनको अपना घर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा इसलिए वो वापस नहीं लौट रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी प्रशासनिक क्षमता की विफलता है? मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में जो दंगा पीड़ित कैंपों में गए थे जी, उसमें हजारों की संख्या में थे और सब वापस कर गए, वापस अपने घर पर चले गए, और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराया, यहाँ तक उनको ये भी कहा कि अगर चाहें तो उनको ज़मीन भी दिया गया जी। जो लोग इच्छुक थे अगर अपने घर वापस जाना चाहें वो वापस घर भी जाएं अपने, अगर कोई नहीं जाना चाह रहा था तो उनको अलग से ज़मीन दिया गया। ये तो कुछ सौ लोग रह गए हैं, तो उसमें जहाँ तक नेताजी ने सही कहा है कि कुछ विपक्षी पार्टियाँ उनको उकसा रही हैं, उनमें दहशत पैदा कर रही हैं, खड़ियन कर रही हैं लोग वापस न जाएं। 2 साल आपकी सरकार को लगभग होने को है, लेकिन अक्सर ये सुना जाता है कि आपकी सरकार अगर किसी को खुश करने में में जुटी रहती है तो वो प्रदेश के मुसलमान हैं और उनके तुष्टिकरण के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। देश की आज़ादी के बाद में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों की बात किया, वोट भी लिया लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि देश की आज़ादी जब मिली थी 1947 में तो मुसलमान जो नौकरियों में 32-33% था और आज के डेट में वो 2-3% रह गया है जी। तो अगर कुछ सरकार करती है, चूँकि पहले कुछ नहीं किया गया इसलिए जब समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत भी करती है तो वो ज़्यादा लगने लगता है, तो ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार चूँकि सच्चर आयोग की रिपोर्ट भी है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की भी रिपोर्ट है कि मुसलमानों की हालत जो है दलितों से भी ज़्यादा बदतर है, इसलिए उनके शिक्षा के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकार जो है अगर कुछ करती है तो वो ठीक कर रही है और होना भी चाहिए क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं।
ये ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जो आपके विरोधी हैं या आम जनता को भी लगता है कि ये सिर्फ राजनीति के तहत उनकी मदद की जाती है या उनको एक वोट बैंक की तरह तहत ही केवल देखा जाता है? वोट बैंक तो विपक्षी पार्टियां खास करके कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया है मुसलमानों को। जी। मैंने कहा मेरी पार्टी जो है चूँकि वो कमज़ोर हैं, दबे कुचले हैं, ये शिक्षा की कमी है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, समाज में भी बहुत उनके जो है स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हमारी सरकार कर रही है। तो विपक्षी पार्टियां चूँकि हमने बताया ना वो कुछ ना कभी किया है ना करना चाहती हैं, तो हमारी सरकार अगर कर रही है तो क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि हमारे घोषणा पत्र में जो हम कर रहे हैं ये कोई अलग से नहीं कर रहे हैं, ये हमारे घोषणा पत्र में था कि हम जो है मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ये काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लहर अखिलेश यादव को, चूंकि वो युवा नेता थे, उनको देख करके सामने आई और देश का युवा एक साथ, प्रदेश का युवा एक साथ उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ा, जाहिर है वो वोटों में भी तब्दील हुआ, लेकिन जो अपेक्षाएं उनसे थी, आपको लगता है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं? जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं और इसका प्रमाण देखिए विपक्ष के लोग कुछ भी हो हल्ला करे, अभी आजमगढ़ की रैली थी, पिछले कई वर्षों में कई बार आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की रैलियाँ हुई हैं, लेकिन हमारे पार्टी द्वारा आयोजित ही पूर्व की रैलियों का रिकॉर्ड टूटा। बरेली में भी रैली ज़बरदस्त हुई और जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो भी ये पहली सरकार है, अभी देखिए कांग्रेस केंद्र की सरकार यूपीए की गवर्नमेंट है, 4.5 साल हो गया कुछ नहीं किया, अब जब चुनाव आया तो उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल और तमाम जो है बिल ला रहे हैं, जबकि हमारी ये पहली सरकार है कि सरकार बनते ही जो घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था उसको हमने लागू करना शुरू कर दिया, चाहे कन्या विद्यादान हो या बेरोजगारी भत्ता हो या पढ़े बेटियां बड़े बेटियां योजना हो, किसानों के हमने जो है सिंचाई लगान माफ़ कर दिया है, इसके अलावा किसानों गन्ने का दाम पिछले वर्ष ही 40 रुपया सरकार बनते ही बढ़ा दिया गया, और लखनऊ में देखिए मेट्रो रेल आ रही है, 200 से ज़्यादा बड़ी बड़े पुल हमारे सरकार में 1.5 साल में बने हैं और योजनाएं और भी लागू हो रही हैं, जबकि देखिए सरकार बनी उसके बाद में बरसात आ गया और फिर इस बार बरसात आया तो 4 महीने 3 महीने तो काम एक बरसात में हो गया, 3 और 3 मिलाकर 6 महीने तो काम उसे नहीं हुआ जी। और स्थानीय निकाय का चुनाव आया उसमें भी 3 महीने आचार संहिता लागू हो गया जी। इसके बावजूद हमारी सरकार इतना काम कर रही है, 2-2 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कैंसर अस्पताल जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, उद्घाटन का इंतजार करती है? नहीं, उद्घाटन भी किया गया, देखिए पुलों को जो है पुलों का उद्घाटन हुआ है और जो है देखिए हर काम करने में सड़क या पुल बनने में तो तुरंत बन गया जी। उसमें समय लगता है, अब कुछ ये 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ेगा सड़कों का जाल जो बन रहा है, हमारे क्षेत्र में मैं खुद बता रहा हूँ मेरे क्षेत्र में ही 0.5 दर्जन पुल बन रहे हैं, अब वो 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे तो समय लगेगा, एकदम विपक्ष वाले जो कह रहे हैं ये तो है ना कि पत्थर का पार्क बनाना है, पत्थर लाया जोड़ दिया, इसमें पुल बनाने में सड़क बनाने में या मेट्रो लाने में मेट्रो परियोजना में समय लगेगा। आपने स्वयं बात की रैलियों की और कहा कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जो रैली देखी वो खुद समाजवादी पार्टी की पुरानी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूट गया, ऐसा ही रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के साथ भी टूट रहा है, जब नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली होती है तो उसमें भी लाखों की संख्या में भीड़ होती है। देखिए नरेंद्र मोदी की जहाँ तक सवाल है, रैलियाँ उन्होंने जरूर किया तो पूरे हमारी जो रैली होती है मंडल में या जिला स्तर की होती है फिर भी इतना भीड़ होती है, और ये तो पूरे प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में पूरा मतलब कारपोरेट जगत इनका सहयोग करता है, पूरा मीडिया में एकदम पूरी तैयारी इनकी ज़बरदस्त होती है, इसके बावजूद जो रैली होती है हमसे 20 नहीं होती, हमसे 19 होती है। और जहाँ तक सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों को हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है, और देखिए नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी सफलता अभी जो 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें 3 विधानसभा ऐसा नहीं है, 1992 की जो घटना घटी थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से काफी सीटें मिली थी। आपने कहा सांप्रदायिक शक्तियों को यूपी की जनता अगर दरकिनार करती है, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, उस समय जनता समझ नहीं पाई और इनको सहयोग किया और बाद में 1.5 साल के बाद में जो है जनता समझ गई
और उसके बाद में इनको सत्ता से हटा दिया और फिर तब से अभी आज तक सत्ता में नहीं आए। ये जरूर है मायावती के बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से सरकार इन्होंने बनाया एक बार और तमाम जो दल बदल कराकर कांग्रेस पार्टी को तोड़ा, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा, समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूटा। और जहाँ तक सवाल है, देखिए जो चार प्रांत में चुनाव हुआ है, तीन प्रांत राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ जी। आज़ादी के बाद में वहाँ हमेशा कांग्रेस और जनसंघ की लड़ाई होती थी और जब भारतीय जनता पार्टी बनी वही जनसंघ का दूसरा रूप जो है वही जनसंघ पार्टी के ही रूप एक भारतीय जनता पार्टी। आपने सांप्रदायिक शक्तियों की बात की, अब जो नरेंद्र मोदी के जो स्पीच होते हैं, जो भाषण होते हैं, उसमें कहाँ सांप्रदायिकता दिखती है आपको? भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनका दोहरा जुबान रहा है जी, हमेशा देखिए हमेशा ये रहा है। इनका जब चुनाव आता है, पहले मैं बता रहा हूँ तो इन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब सरकार बन गई उसके बाद में इन्होंने कहा जो हमारे नेताजी कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर को जो मामला है उसमें जो अदालत का फैसला होगा वही जो है माना जाएगा। और वही बात जो है जब ये सरकार बनी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी MP हुए, ये प्राइम मिनिस्टर हुए, और उन्होंने लोकसभा में कहा कि अदालत का जो फैसला आएगा वही माना जाएगा। तो जब नेताजी ने कहा तो उनको कहा गया मुल्ला मुलायम, मौलाना मुलायम, और अटल जी ने कहा तो उसको उस पर कोई आलोचना नहीं हुई। तो क्या आपको बुरा लगता है अगर आपके नेताजी को कोई मुल्ला मुलायम बुलाता है? नहीं, कतई नहीं बुरा लगता है जी। जाकी रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी तीन तैसी, तो जिसकी जो भावना थी उस रूप में देखता है। तो अगर कोई मुल्ला मुलायम है मौलाना मुलायम कहता तो अच्छी बात है, मौलाना तो एक विद्वान और जो है को कहा जाता है, सम्मानित पर्सन को कहा जाता है, तो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है। आपके नेताजी आजकल अक्सर प्रशंसा करते हुए सुने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए जी। नेताजी का आशय केवल है कि पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित रहे, और यही उनका उद्देश्य है। कहने का मतलब है अनुशासन से ही जो है पार्टी का छवि बनेगी और सरकार भी अच्छा काम करेगी जब पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित रहेंगे, क्यों उनका सही है। अब उसमें कोई तुलनात्मक बात नहीं है, हमारी बात है कि हम चाहते हैं कि पार्टी में अनुशासन रहे और जिससे मतलब जो सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम करे और सरकार की छत बने। प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, वो बहुत उत्साह में हैं, आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए अभी तीन जो प्रांत में इनकी विजय मिली है, वहाँ जो हमने बताया कि वहाँ पर चूंकि थर्ड फोर्स नहीं था जी, कोई विकल्प नहीं था, वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है, इसलिए वहाँ कभी भाजपा जीतती है कभी कांग्रेस जीतती है। अभी दिल्ली में देख लीजिए, एक विकल्प आया आप पार्टी के रूप में, 1.5 साल पुरानी पार्टी, 1 साल पुरानी पार्टी, सब लोग सुखिए थे, लेकिन वहाँ एक विकल्प मिल गया तो जनता ने देखे न भाजपा को स्वीकार किया और न कांग्रेस को स्वीकार किया, जबकि मोदी जी ने 100 से ज़्यादा रैलियाँ किया है, नुक्कड़ रैली भी दिल्ली में किया है, फिर भी आप पार्टी को 28 सीट मिल गई, वहाँ विकल्प था। तो उत्तर प्रदेश में विकल्प है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो ने भारतीय जनता पार्टी को चौथे पचे नंबर पहुंचाया है। ये तो राजनीतिक आंकड़ा दे रहे हैं आपकी 100 से ज्यादा रैलियां नरेंद्र मोदी की दिल्ली में हुई, ये सच नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिन क्षेत्रों में उन्होंने रैली की दिल्ली में, उसके बावजूद आपको वहां सफलता मिली और बीजेपी को नहीं मिली। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जो जनता को विकल्प, जनता जो है हिंदुस्तान की जनता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, लूट खसोट और बेईमानी से जनता त्रस्त हो गई। 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, और इसके पहले भी देश की आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा यही पावर में थे, इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया, किसानों को कंगाल बना दिया, मुसलमानों को जो बिहार कर दिया। एक सवाल है आपसे जी, जी, आम आदमी पार्टी को अभी किसी ने देखा परखा नहीं था, उनकी बातों पर जनता ने यकीन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में वो हालात नहीं है। बसपा के प्रशासन को भी लोगों ने देखा है और आपसे भी तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो आप अपनी तुलना आपसे या बीजेपी के विकल्प के रूप में नहीं कर सकते? नहीं, हम देखिए ऐसा है, हम कोई तुलना नहीं करें, हमारे मेरे कहने की ओर आशा है केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का विकल्प जनता ढूंढ रही है, और जहाँ विकल्प पा जाती है वहाँ कर देती है।
चूंकि दिल्ली में दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो आपको चुन लिया, कोई एक नया पार्टी आ गई, लोगों ने कहा चलो इसको देखा जाए। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुना है और जनता ने, और यहाँ विकल्प तो है, विकल्प की अगर बात मान ही लें तो उसमें बसपा भी एक विकल्प है। फिर आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आपको अधिकतम सीटें लोकसभा चुनाव में मिलेंगी? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है बसपा का सवाल है, चूँकि बसपा के सरकार में अभी देखिए आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री जेल में है जी। और भ्रष्टाचार में लूट खसोट जिस तरीके की रिकॉर्ड बनाया गया उस समय जी। तो अभी देखिए हमारी सरकार 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। केवल आरोप लगता है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में, जबकि अगर देखा जाए आंकड़े बता रहे हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा वहाँ पर महिलाओं के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है या उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके तुलना में उत्तर प्रदेश में जो है आधा भी नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश है फिर भी जो है, जबकि विपक्ष के लोग जो है इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, अगर कोई घटना हो जाती है तो उसको और बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो आपको लगता है कि प्रदेश में ऐसे कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से जनता आपको ही चुनेगी, लोकसभा चुनाव में आपको ही सीटें मिलेंगी? ये जो दावा समाजवादी पार्टी कर रही है ये किस आधार पर कर रही है? देखिए समाज इस जनता जो है, जो हमारे सबसे बड़ी बात है कि जनता के अंदर ये विश्वास है कि जो हमारे नेताजी कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करती है, उनको विश्वास है। जो हमने घोषणा पत्र में दिया या जो हमारे नेताजी ने भाषणों में कहा उसको हम पूरा कर रहे हैं। और लैपटॉप अभी देखिए 18 लाख तो लैपटॉप बांट दिया गया, तो तमाम जो योजनाएं हैं उसको हम लागू कर रहे हैं। और जहां तक सवाल सबसे बड़ी बात है कि जनता अपने को जो है अब जो है लोग निर्भी अपने को जो है कोई डर या वो जो पिछले सरकार में था कि जनता के अंदर भय बहुत जबरदस्त था, उस समय लोग बहुत भयाक्रांत रहते थे। हमारी सरकार में लोग जो है न कोई भय है न कुछ है, जनता अपना निर्भीक तरीके से काम कर रही है और जनता में कोई आक्रोश या कोई भय नहीं है। और चूंकि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि अपराध ज़्यादा है, हमारी सरकार में कोई रोक नहीं है, कोई भी घटना होती है अब तुरंत FIR दर्ज होता है, जबकि इसके पहले सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। तमाम मुकदमे मैं अपने जिले में बता रहा हूँ, कई मुकदमे हत्या हो गई उसको भी दबाया गया, तो लेकिन हमारी सरकार में मुकदमे दर्ज होते हैं इसलिए लगता है कि अपराध ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार में जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कंट्रोल में है और जनता ये जो है 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ देगी और 60 से ज़्यादा हम MP जीतेंगे। 60 से ज़्यादा आपको लगता है तब मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, तीसरे जो है शक्ति की सरकार बनेगी, थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कहीं आपकी सरकार पर नहीं आती? इसके पहले भी आपकी सरकार यहाँ पे अच्छा खासा कार्यकाल बिता चुकी है। नहीं, इसके पहले डेढ़ साल का था, पिछले बार 3.5 साल का जरूर था जी। और उसमें देखिए हमारे जब नेताजी पिछले बार जो 2003 में जब सरकार बनी थी उस समय 28 नई चीनी मिलें लगाई गई थी जी। औद्योगिकरण हुआ था, मतलब एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल हमारे बलरामपुर में जनपद में ही इटई मैदान में लगा था बजाज का जी। तो 28 नई चीनी मिलें बनी थी और पुराने जो चीनी मिलें जो थी उनको नवीनीकरण किया गया था। अब आप ही की सरकार में गन्ना के किसान जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, रो रहे हैं। नहीं, जो गन्ना देखिए गन्ना किसानों की जहाँ तक समस्या है ये केंद्र सरकार की उपेक्षा कारण हुआ है। केंद्र सरकार ने साजिश के तहत ऐसा काम किया कि मतलब चीनी मिल मालिक जो है उनको जो है वो गन्ना का भुगतान नहीं कर पाए, फिर भी हमारी सरकार ने बहुत कड़ाई किया और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी जो है पेराई शुरू हुआ और भुगतान हो रहा है, किसान संतुष्ट। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार यूपी के साथ साजिश कर रही है। हाँ। आप उनके साथ केंद्र में सरकार चला रहे हैं और वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? देखिए हमेशा हम चूंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए केंद्र में हम UPA गवर्नमेंट को कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में वो जो है जान रही है कि हम समाजवादी पार्टी को जब तक हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम फिर से
यहाँ पर रिवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हथकंडे अपनाते हैं। जैसे धान के खरीद पे उन्होंने हरियाणा में 4% का दे दिया रिबेट, यहाँ पर नहीं दिया धान, जिससे धान किसान नाराज हो। जो हमारे उत्तर प्रदेश के जनता समझ रही है, किसान जान रहा है, जैसे पिछले सरकार में खाद बीज ये पानी नहीं मिलता था, हमारी सरकार में खाद और बीज सब पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। जनता जान रही कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो हाथ में है, जो जो है इनके कंट्रोल में है, वो हो रहा है। और जो केंद्र सरकार के जो बात आप कर रहे हैं, बिजली की बात नहीं कर रहे हैं जबकि लैपटॉप बांट रहे हैं। चलिए मेरा सवाल मेरा सवाल दूसरा है। ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बसपा के प्रशासन के बारे में भी कहा गया, आप खुद ही कह रहे हैं कि उनके तमाम नेता अब जेल में हैं, जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार हुआ था। आम आदमी पार्टी की जो सफलता है दिल्ली में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है जाहिर तौर पर। वही अपेक्षा अब एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में लोग ऐसे ही लोगों को पसंद करेंगे। ऐसे में नहीं लगता कि अगर शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो समाजवादी पार्टी को भी सीटों का नुकसान होगा, कम से कम वो कुछ डैमेज कर पाएंगे आपको? देखिए दिल्ली की बात और उत्तर प्रदेश की बात अलग अलग है। दिल्ली में चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबी थी और जो है कांग्रेस पार्टी तो शीला दीक्षित की भी रिजिम में, या केंद्र सरकार जो यूपीए की सरकार है, कोयला घोटाला और तमाम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम घोटाले हुए, इस कारण जो है जनता वहाँ पर आप पार्टी को विकल्प में चुना। उत्तर प्रदेश में यह हालात नहीं, उत्तर प्रदेश में जो हमने बताया कि भ्रष्टाचार में डूबी थी बसपा, उसको हटाया और समाजवादी पार्टी को लाए। चूँकि समाजवादी पार्टी हमारे नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार माननीय अखिलेश जी हैं, एक भी कोई भ्रष्टाचार कोई हमारा मंत्री जेल में गया हो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, या कोई भ्रष्टाचार का मामला आया हो विपक्ष में भी सरकार, हम लोग विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा अगर कोई शिकायत है या कोई भ्रष्टाचार अगर है तो आप लोग बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। आपको लगता है कि जो आपके सरकार की छवि है वो लगातार और बेहतर होगी लोकसभा चुनाव से पहले और आपको अधिक संख्या में सीटें मिलेंगी? बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले बार हमको 23 सीट मिली थी लोकसभा की, इस बार जस्ट डबल से ज़्यादा मिलेगी, डबल से ज़्यादा मिलेगी, मैं आपसे बता रहा हूँ। जनता चूँकि हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में जाते रहते हैं, ये नहीं है कि हम लोग एसी में बैठकर कांग्रेस भाजपा वाले तो एसी में कमरे में बैठकर दिल्ली और लखनऊ में बैठकर रणनीति बनाते हैं जी। हम लोग गाँव में जाते हैं। अभी मैं रात ही को परसों रात को मैं गाँव में था, नरसों में गाँव में था, तो इसी जनता समझ रही, जनता देख लीजिए समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट। राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ मुहिम शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की बात दूसरी, देखो वो मौसमी नेता है जी। मौसमी ये कभी 12 मासी कहा जाता है देहात में, 12 मासी नहीं मौसमी है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ वो चुप थे जी। कहीं बोले कोयला घोटाला पे, कोल ब्लॉक के घोटाले पे कुछ नहीं बोले, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ उसमें भी कुछ नहीं बोले, तो पता चला वो लंदन में कहाँ है, अंडरग्राउंड थे। अब चूंकि चुनाव आ रहा है तो वो अपना वो दिखा रहे, जनता समझ रही है। तो इसे देखिए आप कुछ करके दिखाइए, आपके यूपी आप बोल क्या रहे हैं, आप करके दिखाइए। लोकपाल बिल जो है अभी 4.5 साल हो गया, 5 साल हुआ आप नहीं लाए, 9 साल यूपीए गवर्नमेंट थी नहीं लाए, अब जब चूंकि जनमानस का दबाव पड़ा तो आपने दिखाने के लिए लोकपाल बिल ला रहे हैं, तो ये जनता समझ रही है के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ करने के बाद बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए नरेंद्र मोदी अभी क्या किए, वो तो करने लायक रहेंगे ही नहीं। अब वो गुजरात में जो कुछ किया, गुजरात देखिए गुजरात की तुलना एक छोटा प्रांत है और वहाँ गुजरात के लोग ऑलरेडी बहुत ही उद्योगपति वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ के लोग जो है कर्मठ भी ज़्यादा हैं, वहाँ लोग काम करने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर मेहनत तो जनता का है। चलिए धन्यवाद शुक्रिया जी, आपने साधना न्यूज से बात की, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।